नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वह कोहलबर्ग की बातें करेंगे। कोहलबर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो जहाँ पर CDP पूछी जाती है, हर पेपर के लिहाज से आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ बात करेंगे, आप देख पा रहे होंगे चित्रात्मक तरीके से आपके सामने प्रदर्शित है, दिखाई दे रहा है, जिसमें से बात करेंगे। आप जानते हैं इसमें तीन अवस्थाओं पर उनका बात किया जाए, उनका सिद्धांत था, जिसे हम पूर्व परंपरागत या परंपरागत या फिर बात करें जिसे उत्तर परंपरागत, तीन जानते हैं दोस्त। बात किया जाए इसके बारे में, हम सभी अच्छे से देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीज़ें आप सभी के सामने होंगी। दोस्त, बात करें हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में, एक इन्फॉर्मेशन है, वह है कंप्लीट कोर्स के बारे में। साथ ही साथ एक साल की वैधता के साथ आपके साथ प्रोवाइड होगा। और साथ ही साथ बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। दो नंबर दिया गया, अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ध्यान देंगे आप सभी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग के बारे में। कोहलबर्ग की जानकारी लेने के बाद हम सभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना रहेंगी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, तब फिर जाकर के हम प्रैक्टिस करेंगे। और मेरा यही उद्देश्य होता है हमेशा से कि पहले आपको हम चीज़ें जो थ्योरेटिकल पॉइंट जो आपके उसके फैक्ट हैं उसको हम समझा दें, फिर उसके थ्रू जो क्वेश्चन बनाए गए हैं और आने की संभावना रहती हैं उस पर हम व्याख्यात्मक रूप से आपको समझाने का प्रयास करें। दोस्त, बात करेंगे सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग की, जिसे हम जानते हैं इनका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने। ध्यान दें इनका पूरा नाम, बात करें हेनरी लॉरेंस कोहलबर्ग के नाम से जाने जाते हैं। निवासी की बात करें या जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। अब बात मैं क्यों कर रहा हूँ जर्मन अमेरिकन, क्योंकि इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और इनका दीक्षा जो बात करें शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इन्होंने अमेरिका में लिया था, जर्मनी के निवास जन्म हुआ। और इन्होंने जो निवासी की बात करें, निवास करते थे वह अमेरिका में निवास करते थे। अब बात किया जाए यहाँ पर सिद्धांत का नाम, आप जानते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत है। और सिद्धांत का आधार की बात करें तो जो सिद्धांत का आधार रहा था वह 11 नैतिक कहानियाँ थी, मतलब उनकी जो नैतिक सिद्धांत का जो उन्होंने सिद्धांत निकाला था उसमें 11 नैतिक कहानियों के आधार पर उन्होंने 20 सालों तक क्या किया था, अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद एक कहानी के थ्रू उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत। उसमें सबसे बात करें जो कहानी का प्रयोग किया, सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया उस कहानियों में से, वह हिंज नामक, जो हाइनंज या हिंज नामक कहानी थी उस पर उन्होंने सबसे प्रसिद्ध कहानी पर अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ था। आगे बात करें दोस्त, बात करें तो उनकी यह कुछ पुस्तकें हैं जो आपके पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होती हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। वह पुस्तकों की नाम की बात करें तो बुक की बात कर लेते हैं, जैसे बात करें द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नामक पुस्तक, जिसमें नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है। द फिलोसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बात किया, साथ ही साथ द मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नामक पुस्तक, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती हैं। ध्यान दें कोहलबर्ग का प्रयोग पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान दें कोहलबर्ग का जो प्रयोग था वह 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर उन्होंने क्या किया था, इस कहानी का प्रयोग किया, इस कहानी का इस्तेमाल किया। और कहानी के इस्तेमाल करने के बाद, मतलब कहीं ना कहीं प्रयोग करने के बाद, यह नैतिक विकास के सिद्धांत को वाद दिया। जैसे 10 से 16 वर्ष के बच्चे उनके सामने बैठे थे और इन कहानी को हाइजन जो हिंज नामक कहानी थी इसको सुनाते हैं कौन, कोहलबर्ग। और सुनाने के बाद पूछते हैं, कहते हैं कहानी क्या थी, इसे आप थोड़ा सा ध्यान दें। कहानियाँ में थी कि हिंज की वाइफ क्या थी, बीमार थी, और हिंज ले जाकर डॉक्टर के पास दिखाने ले जाता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भैया आपके जो वाइफ को कैंसर है। अब कैंसर था तो इसलिए दवा, तो आप जानते हैं कैंसर नामक बीमारी की जो दवा है महंगी तो आती ही है, इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया इतना पैसा लगेगा या दवा लगेगी और आप इलाज करा सकते हो। तो हिंज के पास पैसे नहीं था, हिंज के पास पैसे ना होने के कारण हिंज क्या करता है, उसे इनके पैसे ना होने के कारण क्या करता है, हिंज वह चोरी करने का प्लान करता है कि भाई चोरी कर लेंगे तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा।
तो वह दवा कहाँ पर रखी थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, और जानकारी जाकर के प्राप्त करने के बाद वह जो आपका बात किया जाए दवा की दुकान थी वह उस पर जाकर के वहाँ से चोरी कर लेता है। अब जब चोरी कर लेता है वहाँ से, चोरी करने के बाद वह दवा खिला करके मतलब खिला देता है, कुछ भी करता है, लेकिन जब आप मान लीजिए दवा चुरा लेता है तो आप जानते हैं दवा महंगी होगी तो डॉक्टर फिर दिक्कत होगी, क्योंकि डॉक्टर अब उस पर क्या करेगा, डॉक्टर चोरी करेगा अगर हिंज तो डॉक्टर को वह FIR कर सकता है या वह कुछ माफ़ कर सकता है। तो क्या उसे चोरी करनी चाहिए थी, वह ऐसा कहानी सुनाता अपने बच्चों को। ध्यान दें, यह हिंज का जो कहानी था, हिंज की कहानी की बात करें, हिंज की कहानी जो सुनाई जाती है बच्चों के ऊपर 10 से 16 वर्ष के बच्चों के ऊपर, यह कोहलबर्ग सुनाता है और सुनाने के बाद पूछता भैया क्या उसे चोरी करनी चाहिए थी अब उस दवा की, अगर दवा की चोरी किया तो डॉक्टर को नुकसान हुआ होगा, सीधी सी बात है, अगर चोरी करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, तो कुछ बच्चे कहते थे चोरी करनी चाहिए थी, कुछ बच्चे कहते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, उसे सजा मिलना चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि दया भाव जगा करके मतलब कहीं ना कहीं सहानुभूति दिखाते हैं और कहते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो इस तरीके से अलग अलग बच्चों का जो आंसर उसके सामने आता है। अब भाई कोहलबर्ग जब चौंक जाता है कि बच्चे क्यों अलग अलग आंसर दे रहे हैं, जब कहानी तो एक है, कहानी सबके लिए एक है, अब बच्चे 10 से 16 वर्ष के बच्चे हैं तो वह क्यों कोई बच्चा कह रहा है कि दंड देना चाहिए, कोई बच्चा कह रहा है कि दंड नहीं देना चाहिए, अलग अलग अपने अपने राय दे रहे हैं। तो इससे कोहलबर्ग अपना सिद्धांत निकालता है और सोचने के बाद समझने के बाद एक नैतिक विकास का सिद्धांत देता है, जिसे हम सभी पढ़ने वाले हैं। उस सिद्धांत में, नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने क्या क्या बातें कही थी, ध्यान दें, कहानियाँ आपको समझ में आ गई होंगी, इस कहानियों को आपके दिमाग में कई बार बताया गया होगा, आपको कई बार अलग अलग जगह से आप पढ़े होंगे, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो मेरा भी उद्देश्य है कि आपको, मेरा भी या उद्देश्य होना चाहिए कि आपको बता दिया जाए कहानी। ध्यान दें दोस्त, अब बात करें कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास, कोहलबर्ग क्या कहता था कि जो नैतिक विकास होता है, बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट होता है वह क्या होता है, वह सीधी रेखा में नहीं होता है, मतलब जो बच्चे का नैतिक विकास होगा वह सीधी रेखा में कहीं 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 ना कहीं नहीं होता, बल्कि नैतिक दुविधा का क्या होता है, वह परिणाम होता है जिसका एक भाग क्या है, नैतिक तड़कड़ा भी है, मतलब कहीं ना कहीं नैतिक दुविधा की बात करें का परिणाम होता है जिसका एक भाग नैतिक तड़कड़ा है। अब बात करें जब नैतिक विकास किसी बच्चे का होता है तो बच्चा तर्क के माध्यम से उस नैतिक दुविधा को सॉल्व करता है। भाई हम किसी दुविधा में फंसते हैं, अगर हम किसी दुविधा में फंसें तो हम किसी ना तर्क के माध्यम से, किसी ना किसी तर्क के माध्यम से उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और ऐसा आपके जीवन में पर डे की बात करें, दैनिक जीवन में बात की जाए, आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई दुविधा हमेशा से आता होगा और कोई ना कोई आप तर्क लगा करके पर्डे उस दुविधा से निकलने का प्रयास करते होंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि भैया कि कहीं ना कहीं दुविधा का क्या होता है, परिणाम होता है, और उसका एक भाग क्या है, नैतिक तड़कड़ा भी है। अब बात करें कोहलबर्ग के सिद्धांत में कुछ तत्व हैं जिसमें नैतिक दुविधा है और नैतिक तड़कड़ा है। तो आप सही गए होंगे, नैतिक दुविधा में की बात करें तो हम पर्डे कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार की दुविधा में फंसते हैं और तर्क के माध्यम से बाहर निकलते हैं, वही क्या है, नैतिक दुविधा, वही है नैतिक तड़कड़ा। अब हम ध्यान दें, आगे बात किया जाए कोहलबर्ग के सिद्धांत में स्तर की बात कर लेते हैं। स्तर की जब आप बात करते हैं कि इनके सिद्धांत में कितने स्तर थे, 3 स्तर थे, वह पूर्व नैतिक स्तर बोला जाता है, 3 से 10 वर्ष बोला जाता है, दूसरे की बात करें नैतिक स्तर बोला जाता है, 10 से 13 वर्ष बोला जाता है, तीसरे की बात करें पश्च नैतिक अवस्था बोला जाता है, 13 से 16 वर्ष बोला जाता है, कहीं ना कहीं पहले की जो अवस्था है, पहले का एज है वह 3 से 10 है, दूसरे की बात करें 3 से 10, 10 से 13 और 13 से 16 या 3 स्तर इन कोहलबर्ग के द्वारा बताया जाता है। सिद्धांत की अवस्था या उपस्तर की बात करें, सिद्धांत की अवस्था या उपस्तर की बात करें तो प्रत्येक 3 स्तरों में, जो प्रत्येक 3 स्तर आप देख रहे हैं, पूर्व नैतिक अवस्था, नैतिक अवस्था और पश्च नैतिक अवस्था में, हर एक स्तर में एक दो दो क्या बताया,
दो दो अवस्थाओं की चर्चा भी किया है। इसका मतलब है टोटल कहीं ना कहीं आपके इनके सिद्धांत में छह अवस्थाओं के द्वारा बताई गई, मतलब छह अवस्थाएं बताई गई, और साथ ही साथ बात करें इसे आप बोल सकते हैं छह उपस्तर बताए गए, या आप उपस्तर बोल सकते हैं, या सब स्टेज बोल सकते हैं, या फिर आप अवस्था बोल सकते हैं छह। तो टोटल कितने हो गए अर्थात आपके सामने लिखी गई हैं। आगे बात करें दोस्त, देखें आगे समझें, कारक की प्रथम स्तर की बात सबसे पहले हम करते हैं। प्रथम स्तर की बात करें तो प्रथम स्तर में दो उप स्तर होंगे या दो अवस्थाएं होंगी, उसे पहले देखते हैं। तो पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व रूढ़िगत अवस्था या पूर्व औपचारिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। मतलब हिंदी में इसके कई नाम है और एग्जामिनर अलग अलग नामों से अलग अलग चीजें पूछ लेता, अलग अलग बार पूछ लिया गया है। बात करें जिसे हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज बोला जा सकता है, और कन्वेंशनल स्टेज बात करें वह 3 से 10 वर्ष की एज को बोला जाता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होती है। कोवलबर ने कहा कि हम जो नैतिक तर्कणा लेते हैं, जो हम तर्क का निर्णय लेते हैं, मतलब जो तर्क लगाते हैं वह दूसरों के माध्यम से लगाते हैं, अपने दिमाग से यूज नहीं करते हैं। कि इसमें क्या होती है, इस अवस्था में नैतिकता एकदम पूरी तरीके से क्या होती है, शून्य होती है। बच्चे के पास नैतिकता होती नहीं है, नैतिकता शून्य। साथ ही साथ बात करें जो हम निर्णय तर्क लेते हैं वह तर्क भैया दूसरे के मानकों के अनुसार क्या करते हैं, वह लेते हैं, ऐसा 3 से 10 वर्ष की एज में कुहल वर्ग बताता है। आगे बात किया जाए तो पहली अवस्था की मैं चर्चा करूंगा, जो पहली उप स्तर है सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे जिसे बोलते हैं दंड एवं आज्ञा पालन या दंड एवं आज्ञाकारिता अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसे बोलेंगे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज के नाम से जाना जाता है। पहली उप स्तर है या इसे बोल सकते हैं पहली अवस्था है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या होगा, बच्चा जो निर्णय लेगा वह किसके आधार पर लेगा, दंड और आज्ञा के आधार पर निर्णय लेता है। बात किया जाए इसमें लिखा भी गया है नैतिकता दंड और आज्ञा के आधार पर होती है। करा की एग्जाम्पल में ध्यान दें, उसे बच्चे को लगता है कि अगर गलती करेंगे तो हमें कौन, मुझे दंड मिलेगा, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, अगर हम आज्ञा का पालन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पुरस्कार जैसी चीज, पुरस्कार जैसी सोच उसमें बच्चे में डेवलप होती है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे में, बच्चा पहली अवस्था में 3 से 10 वर्ष की एज में होता है, जिसका पहला है दंड और आज्ञा पालन, बच्चे की सोच, बच्चे का दिमाग इस पर होता है कि अगर हम गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी पिटाई हो जाएगी, अगर मैं गलती नहीं करूँगा या कहीं ना कहीं अच्छा काम करूँगा, अच्छा व्यवहार करूँगा, अच्छा आज्ञा का पालन करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसी सोच के आधार पर बच्चा क्या करता है, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक तर्क के माध्यम से अपना नैतिक विकास करता है, ऐसा कोहलबर्ग ने बताया था। आगे बात करें दोस्त, आगे दूसरी अवस्था की मैं चर्चा करता हूं। ध्यान दें दूसरी जो अवस्था है उसे बोला जिन प्याजी कोहलबर्ग ने, वह बोला यांत्रिक सापेक्षवाद की अवस्था। क्या बोला, यांत्रिक सापेक्षवाद की अवस्था वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जामिनर अलग अलग नियमों से नाम से पूछ लिया है। बात करें यांत्रिक सापेक्षवाद की अवस्था या साधन सहायक अपेक्षित निर्धारक अवस्था या साधनात्मक करा अपेक्षवादी अवस्था या इसे बोलते अहम केंद्रता। ध्यान दें इस तरीके से इसका नाम है, अलग अलग नेम अलग अलग तरीके से अलग अलग बार पेपर में पूछा गया है। इसे बोल सकते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज। कहीं ना कहीं इसमें बच्चे का नैतिक विकास होता है, वह नैतिक विकास बच्चे का इस आधार पर होता है, कहीं ना कहीं जैसे कि तैसे की भावना होती है, मतलब मेरा अगर सहायता करोगे तो ही हम आपकी सहायता करेंगे, मतलब हमारे लिए आप जो करोगे तो ही हम कुछ आपके लिए करूंगा, अदरवाइज हम कर ही नहीं सकते, ऐसा बच्चे का विहेव होता है, ऐसा बच्चे का नैतिक विकास होता है। कर इस अवस्था में जैसे कि तैसे अवस्था कहा जाता है, मतलब जब हमारे लिए तो हम आपके लिए, अदरवाइज ना आप हमारे लिए तो मैं भी आपके लिए नहीं। अब बात किया जाए सेकेंड की बात करें, दूसरी अवस्था की बात, द्वितीय स्तर की बात करें, द्वितीय स्तर को जो दोस्त बात बोला जाए उसे बोलते हैं नैतिक स्तर। कहीं ना कहीं इसमें नैतिकता से भरी हुई बातें होंगी, कहीं ना कहीं परंपरागत बातें होंगी, कहीं ना कहीं इसमें रूढ़िगत स्तर बोला जाता है, कहीं ना कहीं औपचारिक स्तर, मतलब कहीं ना कहीं आप जो निर्णय लोगे एक नैतिक निर्णय लेने की कोशिश करते हो, दूसरे पर डिपेंड होते हो, मतलब कहीं ना कहीं जो नैतिक बातें हैं, जो रूढ़िवादी जो परंपरा पर चली आ रही है
पाते हैं उसी पर आधारित होकर के आप करते हो, निर्णय लेती हो। जैसे नैतिकता का मतलब है जो बाबा दादा अपने मम्मी पापा जो माता पिता हमारे का रहे हैं उसी के आधार पर, जो समाज का रहा उसी के आधार पर हम क्या लेंगे, निर्णय लेते हैं, ऐसा मानता है। या जो आपका नैतिक जो कुहलवर का दूसरी अवस्था स्तर है, बात करें इसके बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज, या इसे बोल इसका एज रखा था कुहलवर ने 10 से 13 वर्ष। अब हम बात कर लेते हैं इस अवस्था में जो उसने बताया, इस अवस्था में बताया कि नैतिकता कैसी होती है, परंपरागत होती है। किसने बताया था, कुहल ने वर्ग ने बताया भैया नैतिकता कैसी होगी, कहीं ना कहीं बताया कि परंपरागत होगी। नैतिकता मतलब परंपरा पर चल रही आ रही बातों पर वह निर्णय लेकर के हमारा नैतिक विकास होता है। अब हम बात करेंगे पहला या था तो अब हम पहले की बात करें, दूसरे की पहले की बात करें जिसे हम बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक सामंजस्य अवस्था या सुनहरी नियम अवस्था, या इसे हम बोलेंगे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था, या इसे हम बोलेंगे प्रशंसा की अवस्था। जी कुहल वर्ग ने आपके जो दूसरे का पहली अवस्था मतलब कहीं ना कहीं तीसरी उपअवस्था की स्तर की बात करें इसकी मैं चर्चा करता हूं, जिसे बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेज बोला जाता है। और इसमें बच्चा किस आधार पर निर्णय लेता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा प्रशंसात्मक कार्यों पर, कहीं ना कहीं बच्चा सोचता है कि मेरी क्या हो, मेरी प्रशंसा हो, और उसी प्रशंसा के आधार पर क्या करता है, कहीं ना कहीं बच्चा हमेशा से अपने प्रशंसा सुनने की कोशिश रहती है, मतलब हमेशा से उसके दिमाग में रहेगी अगर हम अच्छा काम करेंगे तो मुझे प्रशंसा होगी, और इसी के आधार पर निर्णय लेता है। और इसे हम सभी इस नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सुनारी अवस्था कौन से किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है, या इसे बोलेंगे कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आता है। कभी कभी पूछता है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे भैया वह कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आता है और दूसरे का पहली अवस्था के नाम से बोली जाती है। अब हम बात करेंगे, देखते चलें, अभी आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सीखते चलें, फिर आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और समझा देंगे कि इस प्रकार से एग्जामिनर पूछता है और आपसे प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। बात करेंगे सेकेंड का जो पूछा जाता है, बात करें उसे बोलते हैं सत्ता एवं सामाजिक अवस्था। क्या दोस्त, सत्ता या सामाजिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं दूसरे की बात करें तो उसका नाम जो है उसे बोलते हैं सामाजिक या सामाजिक या सत्ता अवस्था या भूमिका निर्धारण, या इसे बोलेंगे स्व पहचान की अवस्था या सामाजिक व्यवस्था उन्मुखता। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग एंड सोशल ऑर्डर स्टेज बोला जाता है। क्या, मेंटेनिंग इन सोशल ऑर्डर स्टेज के नाम से यह जाना जाता है, इसे आप सीख लीजिए। अब इसमें बच्चा किस आधार पर निर्णय लेगा, नैतिकता किस पर रहेगी, कानून पर और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होती है। कहीं ना कहीं जो बच्चा निर्णय लेगा इस पर कानून पर, मतलब किसी भी हालत में कानून बिगड़ना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, इस पर बच्चा निर्णय लेगा। दूसरा है मतलब कहीं ना कहीं दूसरी स्तर का दूसरी अवस्था है, या इसे बोल सकते हैं दूसरी स्तर का दूसरी उप स्तर है। आगे बात करेंगे, टोटल मिलाकर बात करें तो चौथी उप स्तर है, इस नाम से भी आप जान सकते हैं, और एग्जामिनर ऐसे कहीं ना कहीं आपसे घुमा करके चीजें पूछता है। आगे हम बात करेंगे दोस्त, ध्यान दें, इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है आर ओ आर ओ के लिए, कंप्लीट बैच के लिए। कोई भी दिक्कत हो आप सभी इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, दो नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, देख पा रहे होंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो जरूर आप अवश्य संपर्क करें। तीसरे स्तर की मैं बात करता हूं, तृतीय स्तर की बात करें, तृतीय स्तर में क्या क्या होती हैं और किस नाम से जाना जाता है इसे जानिए। करा कि तृतीय स्तर को बोला जाए पश्च नैतिक स्तर बोला जाता है, या पश्च औपचारिक स्तर बोला जाता है। क्या, पश्च नैतिक स्तर इसे बोल सकते हैं, या पश्च औपचारिक स्तर बोल सकते हैं, या पश्च रूढ़िगत स्तर बोल सकते हैं, या पश्च परंपरागत स्तर बोल सकते हैं, या इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, या इसे हम कह सकते हैं इसकी एज जो कुहलवर ने बताया वह 13 से क्या बताया, 13 से ऊपर बताया। क्या बताया, 13 से ऊपर इसके अवस्था को, इस स्तर का को बताया। अब हम बात करेंगे इसके दो दो क्या होंगे, इसके दो क्या होंगे, उप स्तर होंगे, दो अवस्थाएं होंगी, या तीसरा स्तर है, ध्यान दें दोस्त, जिसे हम उत्तर नैतिक अवस्था,
पश्च या उत्तर नैतिक अवस्था, या इसे बोल सकते हैं पश्च औपचारिक स्तर, या पश्च रूढ़िगत स्तर, या पश्च परंपरागत स्तर। तो कहीं ना कहीं मिला करके या नैतिकता से ऊपर इसमें कार्य होंगे, मतलब नैतिकता से दूसरे, मतलब कहीं ना कहीं जो इस स्तर में बात करें नैतिकता क्या होगी वह परंपरा से क्या होगी, परंपरा से उठकर बात की जाएगी। पहले में बच्चा नैतिक भावना होता नहीं, बच्चे में नैतिकता पाई ही नहीं जाती है, दूसरे में नैतिकता भरी बातें होंगी, तीसरे में कहीं ना कहीं बच्चे में नैतिकता का, नैतिकता के ऊपर उठकर काम करता है, कहीं ना कहीं नैतिकता को वह छोड़ता है कि भाई नैतिकता होगी अपने स्तर पर है, जो निर्णय लेगा जो तर्क लगाएगा वह कहीं ना कहीं अपने अनुसार लगाने की कोशिश करेगा। अब हम बात करेंगे जो तीसरे का पहला है उसका क्या नाम है, कह रहा भैया सामाजिक अनुबंधन या कानूनी अभिमुखी अवस्था या सामाजिक ठेका अवस्था, या इसे बोल सकते हैं सामाजिक अनुबंधन अनुबंधन उन्मुखता बोला जा सकता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड कारक इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है। कहीं ना कहीं आप इसे ध्यान देंगे जो आपके सामने नाम में ले रहा हूं, एग्जामिनर हमेशा से पूछता रहता है कि इसे सीधे लिख देगा कि तीसरी अवस्था की पहली इस तीसरी स्तर की पहली अवस्था क्या है, तो आप सीधा बताएंगे भैया इसका नाम यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल जो राइट्स के नाम से जानता है। कहीं ना कहीं इस अवस्था में बच्चा क्या लेता है, किस आधार पर लेगा, जो बच्चा समाज के बंधन में रहते हुए जो बच्चा निर्णय इसमें लेगा, जो व्यक्ति निर्णय लेता है वह समाज के बंधन में रहते हुए बंधन से ऊपर उठकर क्या करे, बंधन से ऊपर नैतिकता का कार्य करने का क्या करता, प्रयास करता, कहीं ना कहीं नैतिकता के बंधन में रहते हुए भी नैतिकता से उठने का प्रयास इसमें बच्चा या व्यक्ति करता रहता है, ऐसा कुहलबर्ग ने बताया था तीसरे की पहली अवस्था में। आगे बात करें ध्यान देंगे जो दूसरे की बात करें, दूसरा का क्या नाम है, करें सांसारिक नीति परक की अवस्था, क्या बोला जाए सांसारिक नीति परक की अवस्था या सार्वभौमिक नैतिक नियम अवस्था या सार्वभौमिक परक अवस्था इसे बोलते हैं, या इसे बोल सकते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। कहीं ना कहीं इसका जो तीसरे का दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चा इसमें अभी तीसरे के पहले में आपने देखा कहीं ना कहीं समाज के बंधन में बंधा था, अब इससे भी उठकर ऊपर निर्णय लेने की कोशिश रहेगी। तो करा कि इसमें क्या होगा, इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, इस अवस्था में व्यक्ति की बात करे अपने बातों को बात करे स्वतः सत्य मानता है, मतलब जो कहता है जो मैं कह रहा हूं वही सही है वही सत्य है, मतलब अब सुनेगा सबकी करेगा अपनी। इस अवस्था में आगे बात करें, इस अवस्था में व्यक्ति संसार के नीति परक बातों पर आधारित होकर के नैतिक क्या करता है, बात करता है। आगे बात करें कुहलबर्ग की आलोचना अब होती है, पहले तो आप फिर से एक बार समझेंगे क्योंकि बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आपके दिमाग से हट ना जाए ऐसा हो सकता है, तो फिर से एक बार सुनेंगे। कुहलबर्ग की बात करें, जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था, और जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक तो आप जानते हैं, और इसका जो प्रयोग की बात करें तो हिंज नामक व्यक्ति पर एक कहानी का प्रयोग करके अपना सिद्धांत दिया था, और सिद्धांत की बात करें तो अपने सिद्धांत में तीन स्तर बताया था, तीन स्टेज की बात किया, उसमें हर स्टेज में उसने दो दो बात करें दो दो अवस्थाएँ या दो दो उप स्तर को जो कैटेगरी में बांट दिया था, और बात करें तो टोटल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए तो छह अवस्थाएं या छह उप स्तर की बात किया जाता है, हर में दो दो रहेगा। आप सभी ने सीखा है तो पहले का नाम आप जानते हैं दंड और आज्ञा पालन, और दूसरे की बात करें यांत्रिक सापेक्षता अवस्था या आप अहम केंद्रता बोलते हैं, तीसरे की बात करें जिसे आप जानते हैं दोस्त अच्छा लड़की अच्छा लड़का बोला जाता है, चौथी की बात करें सामाजिक जिसे अनुबंधन बोलते हैं या कानून व्यवस्था बोलते हैं, चौथी की बात करें सामाजिक जो सामाजिक अनुबंधता की बात करें, पांचवें की बात करते हैं, छठवें की बात करें जिसे सार्वभौमिक उन्मुखता की अवस्था बोला जाता है। इसे आप सभी ने अच्छे से देखा सीखा, तो पहले की बात करें जिसे हम बोलते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था में दो हैं जिसमें बच्चा जो नैतिकता लेगा नैतिक निर्णय लेगा वह नैतिकता एकदम शून्य होती है, दूसरे व्यक्ति पर आधारित होकर निर्णय लेता है, दूसरे में नैतिकता भरी बातें करता है, जो परंपरा चली आ रही उसी आधार पर बच्चा निर्णय लेगा, तीसरे में क्या करेगा बच्चा समाज से उठ करके जो नैतिकता से उठ कर अपना निर्णय लेने की कोशिश करता है, तर्क करके निर्णय लेता है, और इस तरीके से जो
अब बात करें कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया और बताया दुनिया के सामने। अब बात करें तो इसका सिद्धांत का आलोचना भी की जाती है। आलोचना करने वाला सबसे बड़ा पहला व्यक्ति कौन था, वह कैलोल गिलगन नामक एक मनोवैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले आलोचना किया कि कहा भैया कोहलबर्ग का सिद्धांत यह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इसका जो सिद्धांत है यह एक पुरुषवादी सिद्धांत है, क्योंकि जो सिद्धांत जो यह निर्णय लिया जाता है सिर्फ पुरुषों के द्वारा लिया जाता है, इसमें महिलाओं को उसने जोड़ा नहीं है, महिलाओं को सोचा समझा नहीं, और जो सिद्धांत दे दिया वह पुरुषवादी सिद्धांत कहलाता है। अब बात करें या एक बात कहा है, एक बात यह कहा कि यह पूरे दुनिया के ऊपर पूरे वर्ल्ड के लेवल पर यह इसका सिद्धांत अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो आपका जो अफ्रीकी कंट्री है या फिर आपका यूरोपीय कंट्री है, जो एशियाई कंट्री है, जैसे बात करें तो यूरोप का रहने वाला था, अब यूरोपीय कंट्री पर इसका सिद्धांत लागू होता है, बात करें हर अलग जो आपका महाद्वीप है इस पर लागू होता नहीं है, होता है, ऐसा किसने बताया, कैलोल गिलगन ने बताया। अब सीख गए होंगे, अब हम आगे चलेंगे दोस्त। कहा जाए तो कैलोल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास की क्या किया, सबसे पहले आलोचना करता है। उन्होंने कहा कि भैया इनका सिद्धांत क्या है, एक पुरुषवादी सिद्धांत है, क्योंकि महिलाओं पर क्या है लागू नहीं होती है। कारण कि उन्होंने कहा इनका नैतिक विकास का सिद्धांत कल्पना एवं यूरोपीय कंट्री सिद्धांत है, संस्कृति पर क्या है आधारित नहीं है। कहीं ना कहीं कहा भैया यह कल्चर पर आधारित नहीं है, कहीं ना कहीं यूरोपीय कंट्री और कहीं ना कहीं बात करें कल्पना पर, इमेजिन पर आपका इसका सिद्धांत आधारित है, कोई जो या जो सिद्धांत निकाला गया है पूरी तरीके से अच्छे सोच समझ करके नहीं बताया गया है। ऐसा कौन मानता था, कोहलबर्ग का जो आलोचना करता था कैलोल गिलगन और कुछ मनोवैज्ञानिक भी थे जो मानते थे। आगे बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा। अब आपने पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लिया, समझ लिया है कोहलबर्ग को, तो आप सभी के सामने कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं होंगी जो आपको अब राइट करने की कोशिश करेंगे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ें और फिर बताने की कोशिश करें। करा कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना क्या हो जाती है, भूल जाती है, तथा या कहते हुए तान्या से लंच साझा करने के लिए कहा तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन का विन्यास प्रारूप किस अवस्था पर आधारित है, कर आज्ञा पालन पूर्ण परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत, या कानून व्यवस्था या पक्ष परंपरागत है। कहीं ना कहीं कह रहा है कि भैया आपको ऐसा करना चाहिए, क्यों क्यों कहीं कहीं ना कहीं नूर ने क्या लंच बॉक्स लाना भूल गई है। अब तान्या से कह रही कि भैया एक काम करो तान्या, तुम मुझे लंच बाद जो तुम लंच बॉक्स लाई हो शेयर कर दो, क्योंकि मैंने कल आपके साथ शेयर किया था। तो ऐसा आपसे कह रहा है प्रश्न, और कह रहा है कि बच्चा अब किस अवस्था में यह निर्णय ले रहा है, किस अवस्था को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा ध्यान देंगे कि यह बच्चा आदान प्रदान की अवस्था में और परंपरागत बातें कर रहा है, क्योंकि कह रहे भैया आप नहीं हम लाए हैं, आप साझा करो, कहीं आदान और प्रदान करो। उसके साथ साथ यह भी कह रहा है कि जो परंपरा यही कहती है कि आज हमने आपको खिलाया है तो आप भी मुझे खिलाओ, एक परंपरा तो यह है, और यह भी होना चाहिए कि आदान प्रदान करो, क्योंकि आपको मैंने ऐसा किया था तो आप भी ऐसा करो। तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी बातें हो रही हैं और आदान प्रदान की बातें हो रही हैं, अगर नहीं खिलाएगी तो कुछ कर तो लेगी नहीं, या तो आप जानते हैं आज की दुनिया ऐसी है कि व्यक्ति खाकर बैठ जा रहा है, तुम खिलाए तो तुम खिलाए थे, आज हम नहीं खिलाने वाले हैं, ऐसा व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। लेकिन जो कहानी है, जो क्वेश्चन है, उसके थ्रू हमें क्या करना है, आंसर देना है, तो हमारा सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, कर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, या प्रसूति अवस्था, या सामाजिक अनुबंधन अवस्था। ध्यान देंगे दोस्त, आपके सामने जो प्रश्न दिख रहा है, बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, बात करें या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की अवस्था का, जीन पियाजे की क्या है, जीन पियाजे
की अवस्था का एक क्या है, पार्ट है। उद्योग बनाम अधीनता एक किसका है, एरिक इरिक्सन का है। एरिक इरिक्सन का जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे इसके बारे में, एरिक इरिक्सन के सिद्धांत के बारे में, वहां से लिया गया है। प्रसुप्ति अवस्था सिगमंड फ्रायड का शब्द है, किसका है, सिगमंड फ्रायड का शब्द है, और यह भी आपका आंसर नहीं हो सकता। बात करें सामाजिक अनुबंध अभिन्यास अवस्था या कोहलबर्ग का है, तो ऐसा कह रहा है कि कौन सा कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, तो हमारा जो पूरी तरीके से डी ऑप्शन राइट है, ना हमारा ए ऑप्शन, ना बी ऑप्शन, ना सी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन को पढ़ें और फिर बताने की कोशिश करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। करें कि लॉरेंस कोहलबर्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, करें लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार करें किसी कार्य को इसलिए करना, भैया किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे क्या देते हैं, स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। करें उत्तर परंपरागत में या मूर्त संक्रियात्मक में या प्रथापूर्व में या प्रथागत में। ध्यान देंगे, आपको मैंने बताया कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत था तो पहली अवस्था में परंपरा जो नैतिकता का अभाव होता है, तो कहीं ना कहीं कारा बाबू यहाँ पर ध्यान दे कारा कि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज का क्या कर रहा है, समाज का अनुकरण कर रहा है, समाज का क्या, समाज का अनुकरण कर रहा है, कहीं ना कहीं बात करें समाज का अनुकरण कर रहा है, कहीं ना कहीं बात किया जाए परंपरा पर चल रहा है, किस पर, परंपरागत क्या कर रहा है, परंपरागत निर्णय ले रहा है वह नैतिक तर्क लगा करके। इसका मतलब है कहीं ना कहीं यह बात प्रथागत हो रही है, कहीं ना कहीं यह प्रथागत अवस्था की बात हो रही है। इसका मतलब है कि आपका जो प्रथागत कहीं अगर ऑप्शन में दिखे तो वही हमारा पूरी तरीके से राइट आंसर होगा। दोस्त ध्यान देंगे, यहाँ पर देखें तो आप देख पा रहे होंगे उत्तर परंपरागत प्रथागत अवस्था है, तो उत्तर प्रथागत अवस्था में क्या होता है, नैतिकता से ऊपर उठ के कार्य किया जाता है, नैतिकता से ऊपर उठा जाता है, मतलब जो आपकी ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं बात करें कहीं ना कहीं जो परंपरा से उठकर काम किया जाता है, परंपरागत अवस्था परंपरागत से ऊपर जो निर्णय लिया जाता है, जो परंपरागत से ऊपर निर्णय लेने की बात की जाती है, परंपरा पर आधारित होकर निर्णय नहीं लिया जाता है। इसका मतलब ना ए ऑप्शन हमारी तरीके से पूरी तरीके से गलत है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की चौथी अवस्था है, किसका है, जीन पियाजे की यह चौथी अवस्था है, चौथी स्टेज है, इसलिए यह भी आपका क्या होगा, पूरी तरीके से गलत है। अब प्रथा पूर्व की बात करें, इसमें बात करें नैतिकता इस अवस्था में पाई ही नहीं जाती है, नैतिकता कहाँ से आएगी, दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आएगी, मतलब कहीं बाहर से आती है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें नैतिकता का अभाव होता है, गलत हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर है वह प्रथागत होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। सीखते हुए चले, समझते हुए चले, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, का निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो आप जानते हैं यह प्रश्न फिर से रिपीट हो चुका है, कर्म मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था या सामाजिक अनुबंधन अवस्था। तो मैंने बताया अमूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा नहीं, जीएन पियाजे का है, बी होगा नहीं, उद्योग बनाम अधीनता एरिक इरिक्सन का है, प्रसुप्ति अवस्था सिगमंड फ्रायड का है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वह डी ऑप्शन राइट होगा, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे फोर्थ नंबर के लिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार। ध्यान दे प्रश्न पढ़ें, कर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार बात कर रहा है, करे कि नैतिकता क्या होता है, नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर, नैतिकता जो क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति तथा स्वयं, मतलब अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर क्या लेता है, उचित ठहराता है। करा सामाजिक अनुबंध अभिमुखता या सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता या सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता या यांत्रिक अभिमुखता। ध्यान देंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो कह रहा दोस्त व्यक्ति किस प्रकार से, व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की बतम परवाह करता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो बात किया जाए समाज से या बोल सकते हैं परंपरा से क्या हो रहा है, परंपरा से ऊपर उठकर क्या हो रहा है,
कार्य कर रहा है, मतलब निर्णय ले रहा है, ऊपर उठकर क्या कर रहा है, निर्णय ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका यह तीसरी अवस्था में, तीसरी स्तर में जा रहा है। अब तीसरी स्तर में जा रहा है तो बात करें सामाजिक अनुबंधन की, तो यह होगा नहीं, सामाजिक अनुबंधन होगा नहीं। क्योंकि बात करें सामाजिक अनुबंधन की, बात करें तो समाज से अनुबंध बनाता है, तो कहीं ना कहीं या तीसरे का पहला है या हो नहीं सकता है। सार्वभौमिक नैतिकता होगा। सामाजिक व्यवस्था की बात करें या दूसरे का दूसरा है, दूसरे की दूसरा है, जिसे हम कानून व्यवस्था बोलते हैं। और इसे यांत्रिक उद्देश्य की बात करें तो पहले का दूसरा है, जिसे हम केंद्रता बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चा निर्णय जो दूसरे बाहर, नैतिकता कहाँ से आती है, बाहर से आती है, किसमें, यांत्रिक उद्देश्य में, मतलब हम जैसे कि तैसा, मतलब मैं, आप मेरे लिए तो मैं आपके लिए, ऐसा यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता में दिखाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को पढ़ते चले, सीखते चले और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर, और सीखें और फिर बताते हुए आगे बढ़ते चले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास प्रदर्शित करता है। कह रहा पूर्व परंपरागत पारंपरिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, या परतंत्र नैतिक स्तर पर, या सहयोगी रूपी नैतिक स्तर पर जी। बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, अच्छा प्रश्न है और आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था पूर्व पारंपरिक स्तर पर, मैंने बताया था 3 से 10 वर्ष को बोला जाता है। 3 से 10 वर्ष में दो तरीके से बच्चे निर्णय लेगा, एक दंड और आज्ञा के आधार पर, एक अहम केंद्रता, या इसे बोलते हैं यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता बोलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें नैतिकता का अभाव होता है, गलत होगा। अब कह रहा पारंपरिक स्तर, एकदम बात सही है कि परंपरा पर चली आ रही अपने आप को लड़का और लड़की अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, और यही कह रहा कि बच्चा क्या करता है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास प्रदर्शित करता है, मतलब कहीं ना कहीं जो अच्छे दिखाने की कोशिश रहती है। और पूरी तरीके से जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्त, और पूरी तरीके से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें इन्फॉर्मेशन है वह बात किया अपने हिंदी की पुस्तक, साथ ही साथ वह आपके प्री और मेंस के लिए, साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की पुस्तक आरओ आरओ के लिए आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई दिक्कत हो, तो आपके सामने नंबर दिया है, आप सभी संपर्क कर सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्त। बात करें आगे, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पर, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है, मतलब भैया कौन सा ऐसा विकल्प है जो राइट है। वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं, भाई पियाजे के सिद्धांत से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से क्या लेना देना, एकदम बात गलत। वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट दिया है, भैया 6 स्तरों को 2 चरणों में नहीं समेटा है, वह 2 स्तरों को कितने चरणों में, 3 चरणों में समेटा है। इसका मतलब है 3 चरण होता तो बात बनती, इसका मतलब है बी ऑप्शन नहीं होगा। करा उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया, या फिर करा कि उनका मानसिक संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का भिन्न भिन्न होता है। अगर भिन्न भिन्न भैया होता तो विरोध क्यों होता, क्यों करता कैलोल गिनगन, तो एक ही मानता था जो कहता था कोहलबर्ग कि लड़की हो चाहे लड़का हो सबका नैतिक विकास एक ही तरीके से होगा, इसलिए कोहलबर्ग का विरोध होता है। तो इसलिए आपका पूरी तरीके से डी ऑप्शन गलत है, राइट आंसर आपका सी आंसर है, क्योंकि वह हिंज की जो दुविधा थी वह एक काल्पनिक स्थिति देकर क्या की जाती है, शोध किया जाता है, और आपका पूरी तरीके से सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल देते हैं 7th नंबर के लिए, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है। करा व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति, या मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, या अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य है, या स्वयं के लिए कानून और नियमों को उचित ठहराना जी। क्वेश्चन संख्या 7th नंबर के लिए आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, अच्छा प्रश्न है जी, बताएं जरूर आप इसमें से क्या राइट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि
सार्वभौमिक नैतिक अभिनयी गण में क्या होता है? वह भैया होता है, मतलब अपने आप की अपनी बातों को सर्वथा सत्य माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वथा सत्य माना जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आप क्या करते हो उसमें संपूर्ण मानवता के लिए क्या करता है, संपूर्ण मानवता के लिए मान्य की बात करता है, संपूर्ण मानवता के लिए वह मानता है, मानवता के लिए मान्य की बात करता है। इसलिए दोस्त आपका इसमें से क्या राइट होगा, वह सी ऑप्शन राइट होगा। व्यक्तिगत अवस्थाओं की पूर्ति या गलत है। मित्रों संबंधियों की स्नेह की बात करें तो आप इसे बोल सकते हैं अच्छा लड़की अच्छा लड़का या दूसरे का पहला कह सकते हैं, तो यह गलत होगा। स्वयं के लिए कानून नियमों को उचित ठहराना, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरे की बात हो रही है, जिसे हम बोलते हैं कानून व्यवस्था, इससे में कानून बिगड़ना ही नहीं चाहिए। तो जैसे आपको मैंने पहले का दूसरे का तीसरा बोल रहा हूँ, उससे आपके दिमाग में घूम रहा होगा क्या अवस्था है, इसीलिए मैं लिखता हूं जिससे आपके दिमाग में चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 8 नंबर के लिए। करेक्ट, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तड़कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। तो ध्यान दें, इसमें कह रहा है कि कानून किसी भी हालत में क्या करनी चाहिए, किसी भी हालत में बिगड़नी नहीं चाहिए, किसी भी हालत में बिगड़नी नहीं चाहिए, ऐसा इसमें माना जाता है। बिगड़नी नहीं चाहिए ऐसा इसमें कह रहा है। अब इसमें ऐसा कह रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दूसरे की बात कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की बात हो रही है। अब अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने ऑप्शन दिखे तो वही राइट हो जाएगा। अब कह रहा है, इसमें कह रहा है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास, तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का दूसरे का पहला बोला जाता है। दंड और आज्ञा क्या बोला जाता है, पहले के पहले को बोला जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ना ए होगा ना बी होगा। यांत्रिक प्रयोजन की बात करें या दूसरे का दूसरा बोला जाता है, इसलिए आपका ना सी ऑप्शन होगा, पूरी तरीके से आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि सामाजिक क्रम को बनाए रखने के लिए अभिन्यास की बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था किसी भी हालत में बिगड़नी नहीं चाहिए, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9th नंबर के लिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चे में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। ध्यान दीजिए, 7-8 वर्षीय की बात कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बच्चा पूर्व परंपरागत अवस्था में कहीं ना कहीं बच्चे की एज है। अब ध्यान दें, पूर्व परंपरागत की अवस्था का एज मैंने आपको बताया था 3 से 10 वर्ष होता है। जब 3 से 10 वर्ष होता है, इसका मतलब 7 से 8 वर्षीय है। अब इसमें दो तरीके से बच्चा निर्णय लेगा, एक दंड और आज्ञा के आधार पर, एक तो लेगा यांत्रिक सापेक्ष के आधार पर। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन में दिखे तो हमारा वही राइट होगा। करा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना या सामाजिक व्यवस्था बनाए की बात करें तो दूसरे का दूसरा हो गया, गलत बात। कर अनुबंधन की बात कर रहा है तो कहीं ना तीसरे का पाला है, यह भी गलत हो गया। दंड और आज्ञा के आधार पर पूरी तरीके से राइट है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की बात करें तो तीसरे का दूसरा इसे बोला जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं जो आप अपनी बातों को सर्वथा संत और संपूर्ण मानवता के लिए एक मानती हो, सही मानती हो। आगे बात करें, ये 10th नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा जी, बताएं। करा गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारंपरिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। करा सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास, सामाजिक अभिन्यास अनुबंध अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास या करा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास। तो कहीं ना कहीं बात करें, गोल्डन रूल को क्या बोला जाता है, दूसरे के पहले को बोला जाता है। कहीं ना कहीं गोल्डन रूल की बात करें, सुनहरा नियम, मतलब कहीं ना कहीं परंपरा पर बातें होने वाली चीजों को बोला जाता है। बात करें परंपरा पर, परंपरागत पर बातें हो रही हैं, मतलब गोल्डन रूल की बात करें, मतलब कहीं ना कहीं हम रूल
रूल नियम को मानेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने अच्छे को अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश रहेगी और पूरी तरीके से आपका राइट ऑप्शन है डी। क्या है इसमें आपका पूरी तरीके से राइट ऑप्शन है डी। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो आप जानते हैं सामाजिक व्यवस्था को बोला जाता है दूसरे के सेकेंड को बोला जाता है, दूसरे के दूसरे को सामाजिक अनुबंध बोला जाता है, तीसरे के पहले को बोला जाता है। सार्वभौमिक की बात करें तो तीसरे के दूसरे को बोला जाता है। इसलिए दोस्त बात करें आपका ना ए ना बी ना सी डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन कारण निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। कर पारंपरिक चरण, कर अपारंपरिक चरण, कर उत्तर पारंपरिक चरण या पूर्व पारंपरिक चरण, ये बताएंगे कौन सा इसमें से नहीं है लॉरेंस कोलबर के द्वारा दिया गया। तो पारंपरिक चरण आप जानते हैं दूसरे सेकेंड चरण को बोला जाता है और इसकी एज की बात करें तो 10 से 13 महीने आपको बताया था, 10 से 13 बताया था। आप पारंपरिक चरण होता ही नहीं है और जो होता नहीं है नहीं है वही क्या होगा राइट। उत्तर पारंपरिक की बात करें तो मैंने बताया था तीसरी अवस्था है, तीसरी स्तर है और इसका एज मैंने बताया था 13 से 16 वर्ष की एज कोहलबर्ग ने बताया। पूर्व पारंपरिक को मैंने बताया कि पहली अवस्था है और पहली अवस्था में इसकी एज की बात करें तो मैंने आपको बताया था 10 से 13 वर्ष को या पूर्व पारंपरिक स्तर बोला जाता है और पूरी तरीके से आपका जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन को सीखते चलें और आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन की तात चीजें सिखाई जा रही हैं, कोई रटी रटाई बातें नहीं बताई जा रही हैं। 12 नंबर के लिए करा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, करा कि उसके सिद्धांत में नारिक परिपेच गौड़ है, करा उसने पियाजे के सिद्धांत नैतिक विकास सिद्धांत को संदर्भ नहीं किया है, उन्होंने बच्चे की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई है, उन्होंने बच्चे पर कोई अनुसंधान नहीं किया। भैया उसने तो अनुसंधान नहीं करा कि किसकी आलोचना होती है, तो करा भैया किसकी आलोचना होती है, क्योंकि उसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष को क्या माना है, वह गौड़ माना है, सेकेंडरी माना है, क्या माना है, द्वितीयक माना है, क्या माना है, गौड़ या द्वितीयक माना है, सेकेंडरी माना है, इसीलिए उसके सिद्धांत का क्या होता है आलोचना किया जाता है। क्योंकि वह कहा जाता है कि कैलून गिलिगन कहते थे कि यार नारी जो पुरुषवादी सिद्धांत है, और पूरी तरीके से आपका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा दोस्त, ए ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, ए पूरी तरीके से आपका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, कर 13 नंबर के लिए, कर लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की चरण की विशेषता है, कर पारंपरिक समझ की पारस्परिकता की समझ, कर अधिकार का डर और सजा से बचना, या दूसरे का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, या कानून बनाए रखना समाज के लिए प्रत्येक सदस्य का क्या है, व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत कर्तव्य है। तो मैंने बताया कि सामाजिक व्यवस्था को मैंने आपको बताया था या दूसरे का दूसरा बोला जाता है, कहीं ना कहीं इसे बोला जाता है कानून व्यवस्था के नाम से भी बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है, कानून व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कहा जाता है कि किसी भी हालत में क्या हो, किसी भी हालत में कानून नहीं बिगड़नी चाहिए, किसी भी हालत में क्या हो, किसी भी हालत में कानून नहीं बिगड़ना चाहिए ऐसा मानता बिगड़ना चाहिए ऐसा बात किया जाए ऐसा बोला जाता है। अब कर पारस्परिकता की समझ पूरी तरीके से गलत ना होगा भैया, बी में करा अधिकार और डर की बात की सजा की बात, डर आज्ञाकारिता की बात कर बात करें, डर और आज्ञा के आधार पर तो पहले का पहला होता है दंड और आज्ञा, इसलिए ना हमारा बी होगा। सी में करा स्नेह और अनुमोदन के लिए प्राप्त, तो कहीं ना कहीं अच्छा लड़की अच्छा लड़का दिखाने की बात हो रही है तो दूसरे की पहले की बात हो रही है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दूसरे के दूसरे से मिलता हुआ डी ऑप्शन है। तो डी में क्या होता है, दूसरे का अनुमोदन, मतलब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, तो कानूनों को बनाए रखने के लिए समाज के लिए प्रत्येक सदस्य क्या है, व्यक्तिगत कर्तव्य है, ऐसा कोहलबर्ग ने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पर हम चलेंगे,
करा कि 14 नंबर क्वेश्चन करा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की अपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें करा दोस्त कि सजा और दंड की बात, मतलब सजा एवं आज्ञा की बात हो रही है। सजा एवं आज्ञा के आधार पर बच्चा आज्ञा के आधार पर क्या ले रहा है, आधार पर बच्चा निर्णय ले रहा है, आधार पर क्या कर रहा है, निर्णय ले रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो बात हो रही है वह बात करें तो पूर्व परंपरागत अवस्था की बात हो रही है। किसका? पूर्व परंपरागत अवस्था की, पूर्व परंपरागत अवस्था की बात हो रही है। और पूर्व परंपरागत अवस्था की एज मैंने आपको बताया कि 3 से 10 वर्ष की एज को बोला जाता है। अब हम ध्यान देंगे करा कि सजा और दंड आज्ञाकारिता विन्यास वेरी राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा लड़की अच्छा लड़के का बात कहीं हो नहीं रहा है क्योंकि करा दूसरे की इरादे क्या कर रहा है, करा बिना अधिकार और नकारात्मक परिणामों को डर पर ध्यान केंद्रित, कहीं ना कहीं डरने पर फोकस हो रहा है, तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा। कानून व्यवस्था की बात हो नहीं रही, सामाजिक अनुबंधन की बात हो नहीं है। सामाजिक अनुबंधन को तीसरे के पहले को बोला जाता है, कानून व्यवस्था आप जानते हैं दूसरे के दूसरे को बोला जाता है, और अच्छा लड़की बोला जाता है दूसरे के पहले को। तो पहले का पहला हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, उससे मिलता जुलता ऑप्शन अगर होता तो वही हमारा राइट होता। तो 14 नंबर के लिए ए ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 पर हम चलेंगे। कैरोल गिलगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार कैसा है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार कैसा, न्याय देखभाल, देखभाल न्याय, भलाई या त्याग, या त्याग भलाई। तो सबसे पहले आपको पुरुषों की नैतिकता पूछा है, फिर आपको पूछा है स्त्रियों की नैतिकता। तो कह रहा है कि जो कैरोल गिलगन ने कहा था कि जो स्त्रियों का, जो पुरुषों की नैतिकता का आधार है भैया वह न्याय होता है, क्या होता है, और जो स्त्रियों का जो नैतिकता का आधार होता है वह देखभाल होता है। और पूरी तरीके से आपका ए ऑप्शन राइट है। क्या है? पूरी तरीके से आपका ए ऑप्शन राइट है। दोस्त आप सभी ने या 15 क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी ने कोहलबर्ग के सिद्धांत को अच्छे से समझ लिया होगा। पहले आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, समझाने की कोशिश की, फिर इसके बाद हम सभी ने 15 क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ें एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सीखा कि किस तरीके के क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनर बनाता है और आने की संभावनाएं होती है। तो बेहतरीन तरीके से आप सीख पाए होंगे दोस्त। आप सभी ऐसे ही बेहतर करते रहे, चीज़ों को पढ़ते रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।